दोस्तों मैं हूँ आपका कौशल अंदर नई वीडियो लेके आपके सामने। फिर से आज जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सट्रीम की। मैं बात करता हूँ तो देखते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर आपको 162 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा इंजन है। अभी तक देखते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले की जो हीरो की एक्सट्रीम आती थी और पहले जो CVZ आती थी तो उसी गाड़ी को ही बेस उसी गाड़ी के अकॉर्डिंग बेस पे देखा जाए तो ये वो गाड़ी है। लेकिन इस बार इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि इसका जो इंजन है वो टोटली चेंज है, क्योंकि पहले की जो CVZ होती थी या फिर एक्सट्रीम जो आती थी उनके अंदर माइलेज की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती थी। तो अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के अंदर जो पावर है वो आपको मिलेगी 15 BHP की पावर, लेकिन जो कि अभी तक हीरो की गाड़ी के हिसाब से एक 160 CC के हिसाब से 15 BHP काफ़ी सही है, जो कि अभी सही है। 160 CC के हिसाब से 15 BHP की पावर जो है वो काफ़ी अच्छी पावर है। और गाड़ियों के हिसाब से जैसे बहुत सारी गाड़ी ऐसी भी जो कि 160 CC के हिसाब से इससे भी थोड़ा कम निकाल के दे रही है। लेकिन खैर देखा जाए तो कोई बंदा एक हीरो की गाड़ी चाह रहा है तो उसके लिए पावर काफ़ी सही है। अगर देखा जाए इस गाड़ी के अंदर जो टॉर्क है तो टॉर्क जो आपको इसके अंदर मिलेगा वो मिलेगा आपको 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब ये है कि एक्सट्रीम वाला ही जो इंजन था, अगर पूरा पुरान पहले का हिस्ट्री उठा के देखें हीरो की गाड़ी की, तो एक्सट्रीम का जो इंजन था वो इंजन के अंदर टॉर्क इंजन था, काफ़ी टॉर्क रहता था इंजन के अंदर। मतलब स्टार्टिंग का पिकअप तो काफ़ी अच्छा था, हाँ, लेकिन टॉप एंड पे जाते जाते थोड़ी सी गाड़ी स्लो हो जाती थी, थोड़ा सा पावर की कमी लगती थी। तो खैर यहाँ पे तो कुछ इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है गाड़ी। अगर लेने के लिए लेना चाहो तो ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस गाड़ी के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब LED तो सारी LED ही लाइट मिल रही है, जो कि टेल भी सही है और फ्रंट भी ओवरऑल काफ़ी सही है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी देगी। न्यू जो इसके अंदर देख अगर नहीं हेडलाइट के हिसाब से देखा जाए तो अगर हेडलाइट के हिसाब से अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, जैसे आपने देखा होगा पल्सर के अंदर आपको अभी हैलोजन मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो है कि जिसके अंदर एक 150 CC के हिसाब से 160 CC के हिसाब से बहुत सारी गाड़ी ऐसी भी जिसके अंदर आपको हैलोजन मिले। लेकिन कुछ ऐसी गाड़ी जिनों के अंदर आपको LED भी मिल रहा है, जैसे इसके अंदर भी आपको LED मिल ही जाएगा और LED मिलने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। वो बात अलग है कि होंडा की जो वो X-Blade या फिर वो आती है होंडा 2 के अंदर LED नहीं है, LED है, लेकिन खैर देखते भी जब आएगी मार्केट में तब जाके हमें पता चलेगा कि किसकी LED है, काफ़ी ज़्यादा है। रही बात अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको सिंगल जनरल ABS मिल जाएगा, जो कि सही है। सिंगल जनरल ABS है 160 CC हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा ना ही पावर होती है ज़्यादा टॉर्क होती है, सिंगल जनरल ABS भी काफ़ी सही है। हाँ लेकिन ये है कि डुअल जनरल ABS होता तो काफ़ी ज़्यादा होती सेफ्टी, लेकिन खैर वो प्राइस ज़्यादा बढ़ा देता गाड़ी का, अगर गाड़ी का प्राइस ज़्यादा बन जाता तो इस हिसाब से लोग नहीं ले पाते। अगली अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाएंगे। 5-speed यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो, 5 या 6 इन दोनों में से देखते हैं भी कौन सा। वैसे 5-speed गियर बॉक्स ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 5-speed गियर बॉक्स है, तो 5-speed गियर बॉक्स होने की वजह से गाड़ी का इंजन जो है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने की वजह से क्या है कि गाड़ी काफ़ी अच्छा पिकअप भी, मतलब स्मूथ इंजन रहेगा तो टॉप एंड में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली। अगली अगर हम बात करें इस गाड़ी के अंदर एक बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या है कि इसका लुक अगर देखा जाए तो काफ़ी, मतलब जितनी भी तक 160 CC की बाइक है उसमें से एक यूनिक लुक है, मतलब एकदम फ्रेश लुक मिला है आपको, जो कि सही अच्छी बात है। लुक के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर अब देखा जाए तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर एक चीपेस्ट प्राइस के अंदर आपको डुअल डिस्क मिल जाएगा फ्रंट में भी और रियल में भी, ठीक है, फ्रंट में और रियल में डुअल डिस्क मिल जाना, और ऊपर से इसके अंदर आपको कॉर्नरिंग भी स्टेबल की काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं आपको अपाची वाली कॉर्नरिंग मिल जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन कॉर्नरिंग आपको इसमें काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। और रही बात अगर इसके अंदर अगर अब हम देखें कि अब अलॉय व्हील का डिज़ाइन, तो अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी अलग कर दिया है, जो कि सही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर पहले की अगर CVS ट्रिम देखा जाए या वो इग्निटर देखा जाए तो इनों के अंदर क्या होता था कि हाफ फेयरिंग तो गाड़ी थी वो, लेकिन इसको एक नेकेड के हिसाब से निकाला है। लेकिन ये है कि अगर यही इंजन से ये अपने एक्सट्रीम 200 या फेयरिंग में ही निकाल के देते 160 CC में तो फिर काफ़ी सही रहने हो सकती है गाड़ी। तो चलो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के सामने शेयर कर दो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, जो करना है वो कर लेंगे हो जाएगा खराब, क्योंकि हमारे पास इतना खराब करने मेरे को चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में।